welcome to the YouTube channel. My name is Madhvi, and today in this video we are going to talk about top 5 must read motivational books. तो जो पहली बुक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है The Little Book of Hygge, The Danish Way to Live Well. अब इस बुक के बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि Hygge क्या है, ये कहाँ से आता है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नाम से पता चलता है Hygge डेनिश लोगों का तरीका है अपनी लाइफ को पूरी तरह से भरपूर जीने का. डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा खुश पाए जाते हैं. उसी तरह इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम डेनिश लोगों के जीने का तरीका अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकते हैं. Hygge एक कम्फर्ट वाली फीलिंग है. जब आपका सोल अंदर से खुश होता है आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं और आपको लगता है कि यही जगह है जहां मैं बिलोंग करता हूं या करती हूं. Hygge हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं. Hygge एक फीलिंग भी हो सकती है, एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एटमॉस्फेयर भी. इस ड्यूरेशन में जबकि पेंडेमिक चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हम सभी अपने अपने घरों में हैं, अपना फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं अनसर्टेन लगता है, इस टाइम में मैं इस बुक को सभी के लिए रेकमेंड करूंगी क्योंकि ये बुक होप देती है और आपको सिखाती है कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ सकते हैं. जैसे कि अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, अपने पेट्स के साथ खेलना या फिर अपने उगाए फूल पत्तियों को देखकर खुश होना. सो गाइज, द नेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी असली खुशी कहाँ है. क्या हमें करियर बनाने में, पैसा कमाने में खुशी मिलती है या फिर हम अपना पैशन फॉलो करके खुश होंगे या फिर हम सब छोड़ के मंक बन के पहाड़ों में रह के खुश होंगे. इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए जापानीज का एक फॉर्मूला है इकिगाई. इकिगाई का मतलब है वैल्यू ऑफ लिविंग, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ योर बीइंग, आपके होने का पर्पस क्या है. खुश रहने के लिए आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें आपका इकिगाई इन्वॉल्व हो, यानी आपका पर्पस इन्वॉल्व हो. और लेकिन आप अपना ये पर्पस ढूंढेंगे कैसे, इसलिए इस बुक में से चार कंपोनेंट्स की बात की गई है जो आपको आपका इनर पर्पस, आपका इकिगाई ढूंढने में मदद करेंगे. सो गाइज, द नेक्स्ट बुक दैट आई हैव फॉर यू इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ. ये मार्क मेंशन की एक बुक है जिसमें मार्क मेंशन ने पॉजिटिविटी से ज़्यादा ऑनेस्टी की बात की है और इस बुक में रीडर्स को एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है. ये बुक बाकी सारी मोटिवेशनल बुक से एकदम अलग है. मार्क मेंशन के अकॉर्डिंग आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसे साइकोलॉजिकल एपिडेमिक बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर जाती है तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता. हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं और हमें लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो शायद शुरू से ही हमें कोई कमी है. सेल्फ हेल्प बुक्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई कमी नहीं है और सब यही बताते हैं कि कैसे हम परेशानियों से बच सकते हैं, कैसे हम परेशानियों को अवॉइड कर सकते हैं. जबकि इस बुक में मार्क मेंशन ने बताया है कि हमारा एम परेशानियों से बचना नहीं होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हम परेशान क्यों हैं, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है. सो गाइज, द नेक्स्ट बुक दैट वी आर कवरिंग टुडे इज द एल्केमिस्ट. ये पाउलो कोएलो के करियर की सबसे फेमस बुक है और कई सारे सक्सेसफुल लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और इसे मेंशन भी किया है. इस बुक में एक सैंटियागो नाम के शेफर्ड की कहानी है जिसमें उसे बार बार एक सपना आता है. उसके सपने में एक लड़का उसे पिरामिड्स में छुपे खजाने के बारे में बताता है. एक दिन सैंटियागो अपना ये सपना फॉर्चून टेलर को बताता है. फॉर्चून टेलर सैंटियागो को सजेशन देता है कि उसे इजिप्ट जाना चाहिए खजाना ढूंढने. फिर सैंटियागो अपना सपना एक वाइज मैन को बताता है और वाइज मैन भी उसे सेम सजेशन देता है. अब सैंटियागो अपनी भेड़ बेचकर अपने सपने को पूरा करने चल देता है, यानी खजाना ढूंढ. जैसा कि इसके टाइटल से पता चलता है इस बुक का बेस एल्केमी है. एल्केमी यानी किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना. और ये बुक भी हमें यही बताती है कि कैसे हम अपने टैलेंट्स को मैक्सिमाइज करके अपनी डेस्टिनी अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो गाइज, आज की जो फाइनल बुक है वो है मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मेबी द वर्ल्ड. हम सब कहीं ना कहीं दुनिया बदलने की चाह रखते हैं,
लेकिन हर बड़ी चीज की शुरुआत होती है छोटी सी चीज से, तो क्यों ना शुरुआत की जाए अपना बेड ठीक करने से। ये बुक एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की एक स्पीच पर बेस्ड है, जिसमें वो 10 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ये 10 प्रिंसिपल उन्होंने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे और किस तरह इन 10 प्रिंसिपल्स की मदद से उन्होंने अपना करियर आसान बनाया। इस बुक में हर चीज को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और इन सब प्रिंसिपल्स को हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिव्यूज एक्सपी के सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखाने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।